तो चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो भी वर्टिकल कॉलम रहते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो टोटल टेबल में कितने एलिमेंट हैं? तो वो है 118 एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे राइट किया है मार्क, वो 18 एलिमेंट है। और टोटल टेबल कितने ब्लॉक में डिवाइड है? तो चार ब्लॉक में। कौन से? एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, ध्यान में रखिए। ये जो था यहाँ पे, ठीक है, ये तो कितने टेबल हैं? चार, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इस तरह से टेबल बनाए थे। और यहाँ पे ये है एफ ब्लॉक, कौन से है? एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये टेबल में तो हमने देखा था, टेबल टेबल तो बताया आपको, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और यहाँ पे दिया है नीचे एफ ब्लॉक, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के अंदर अलग से एलिमेंट आते हैं। वो नंबर कहाँ से? एफ ब्लॉक में 57 से लेके, थोड़ा देखिए इधर, 71 और ये 89 से लेके 103 तक है। चलो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ने लगे कि वो क्या है था, लेकिन थोड़ा सा हम तो जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स कहेंगे। तो 7 में पीरियड्स और नंबर फॉर्म 1 to 7 और सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स कहेंगे। 1 to 18 ग्रुप्स हैं एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक कंटेंट क्या है? कितना, कौन से, कितने ग्रुप्स हैं? 1 and 2। देखो ग्रुप 1 and 2 एस ब्लॉक, यहाँ पे टेबल में दिखाई देगा। ये है टेबल एस ब्लॉक, कौन से ग्रुप्स हैं? 1 and 2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। ये देखिए ये वाला यहाँ है, ये वाला है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला ग्रुप है जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। हाँ हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, लिथियम लिखा है, सोडियम लिखा है। ये फर्स्ट ग्रुप है, वर्टिकल कॉलम में उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो मतलब फर्स्ट ग्रुप में है। और यहाँ पे ये सेकंड वाला है, सेकंड ग्रुप दिखाई देगा, ये सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में कौन से है? सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। तो ये सेकंड ग्रुप है। देखो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मिलके जो बना है उस ब्लॉक का नाम दिया है एस ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मतलब फर्स्ट मतलब क्या है? एस ब्लॉक कंटेन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ओके ठीक है। तो फिर और आगे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ये देखिए एस ब्लॉक कंटेन, एस ब्लॉक कंटेन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसी तरह से द ग्रुप 13, ठीक है ना। तो ग्रुप 13 to 18 कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक। देखो 13 से 18 कौन सा ब्लॉक बना है? पी ब्लॉक बना है। और द ग्रुप है ना, सही है, ए ब्लॉक 3 to 12, कौन सा? डी ब्लॉक 3 to 12, 3 to 12 एस ब्लॉक है, 3 to 12 एस ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, द ग्रुप 3 to 12 कंस्टिट्यूट डी ब्लॉक। हो गया, इस हो गया हमारा। ये चलो डी ब्लॉक इस तरह से अपना हो गया। ये कौन सा ब्लॉक? तो ग्रुप्स में तो ग्रुप्स पता है आपको। देखो ये देखो, ये यहाँ पे एफ एस ब्लॉक, एस आप किसी भी अपना फ्रेंड्स के नाम से भी ध्यान रखना, एस ब्लॉक बोले तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। और यहाँ पे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोले तो ये सारे पी ब्लॉक हैं। इसमें कहाँ से है? 13 से लेके 18 तक, 13, ये देखो 13, फिर यहाँ पे ये 14 है ना, 14 यहाँ पे 14, ये 14 नंबर, ये वाला ब्लॉक 14 है ना, ये 13, ये और ये वाला, ये यहाँ पे 15 यहाँ पे 16,
16 वाला कॉलम हो गया, और यहाँ पे 18 17 और यहाँ पे 18 दिखाई दे रहे हैं हमको 18। चलो तो इतने सारे हो गए, ये इतने सारे क्या हैं ब्लॉक्स हैं, तो पी ब्लॉक बना। इतने सारे जो कॉलम्स है ये वर्टिकल कॉलम जिनको हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। तो 13 to 18 ग्रुप में कौन सा ब्लॉक बना, पी ब्लॉक का नाम दिया है। और फिर यहाँ पे ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के लिए ठीक है। डी ब्लॉक के लिए क्या है, कौन से थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर दिख रहा है, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर यहाँ पे फिफ्थ नंबर का कॉलम है, फिफ्थ नंबर का कॉलम है, यहाँ पे सिक्स नंबर का कॉलम है, सिक्स नंबर का कॉलम है यहाँ पे, यानी ये सब कॉलम्स है। तो जो भी कॉलम वट एवर कॉलम्स है उनको हम कहेंगे ठीक है। तो ये देखिए सिक्स सेवन नंबर, तो इस तरह से यहाँ से कहाँ तक, सेवन एट नाइन टू थर्टीन तक, थर्टीन तक हमको दिखाई देते हैं। थर्टीन तक ये थर्टीन थर्टीन टू ट्वेल्व है, सॉरी ट्वेल्व तक दिखाई दे रहे हैं। चलो ट्वेल्व तक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, तो द ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व कंटेन डी ब्लॉक, हाँ बीच में है डी ब्लॉक, एस डी एस डी पी और ये नीचे एफ, क्या है ध्यान में रखना, एस डी पी एफ ये क्या है, क्या रखना आपको ध्यान में, एस डी पी एफ ठीक है। एस ब्लॉक एस डी डी पी और एफ, सॉरी एफ ऐसे हो गई है ब्लॉक, कितने ब्लॉक हो गई उधर पेज पे चले गए है ना। एस डी पी एफ एफ कितने ब्लॉक, चार ब्लॉक है ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए एस डी पी एफ को चार ब्लॉक, एस डी पी एफ क्या है चार ब्लॉक। तो ये आप लिख लीजिए कि कौन से कितने ब्लॉक में, ये आपको क्या है पॉइंट पॉइंट से लिखना है, ये सब आप पॉइंट पॉइंट से लिखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल पीरियोडिक टेबल अगर आपको डिस्क्राइब करना रहे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मतलब यही पॉइंट आने चाहिए जो भी मैं अंडरलाइन किया हूँ यहाँ पे, वही मतलब जो क्या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर करना मतलब क्या करना, उसको टेबल को डिज़ाइन करना मतलब कि उसको उसके कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, रोज को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं, टोटल टेबल में कितने एलिमेंट है, कितने ब्लॉक है, कौन से ब्लॉक में कितने ग्रुप है, इस ब्लॉक में कितने, उस ब्लॉक में कितने, समझ में आता है ना। एस ब्लॉक में जैसे एस ब्लॉक बोला, एस डी पी एफ बोला, तो एस ब्लॉक में कितने वन टू सेकंड फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हैं, और डी डी ब्लॉक में कितने हैं थ्री टू ट्वेल्व ग्रुप है, और पी पी ब्लॉक में कितना है, पी ब्लॉक में है 13 to 18 है आगे वाले, और फिर लास्ट में एट द बॉटम, एट द बॉटम में क्या है, एट द बॉटम में कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये देखो ये लास्ट में यहाँ पर नहीं दिया, तो चलो बॉटम बॉटम में क्या है, बॉटम में बॉटम को कौन सा ब्लॉक है, ए ब्लॉक है ना। बॉटम में ए ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ए ब्लॉक दिखाई दे रहा है, हाँ ए ब्लॉक बॉटम में ए ब्लॉक। चलो अब आगे आगे पढ़ते हैं, तो ये हो गया, और क्या पॉइंट निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो एक आपको एक वर्ड बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है जिग जैग, दिखाई दे रहा है आपको जिग जैग, ये है जिग जैग लाइन, ये एक जिग जैग टेबल में जिग जैग लाइन है। अब ये लाइन जिग जैग लाइन है, ये जिग जैग लाइन कौन सी है वो हम देखने वाले हैं। ये लिख रहा है लाइन जिग जैग लाइन दिख रहा है ठीक है, जिग जैग लाइन, तो ये जिग जैग लाइन टेबल में है ठीक है। तो जिग जैग लाइन कौन सी है वो बता देगा आपको टेबल में, ये जो है जिग जैग लाइन यहाँ पे, ये देखिए कौन से तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप में चल रही है। इसके नीचे बोरान के नीचे ये डार्क लाइन है यहाँ पे आई हुई, ये डार्क लाइन आपको दिखा रहा है, ये देखो डार्क लाइन यहाँ पे ऐसी बनी है ना,
ऐसी है, ऐसी फिर उसके नीचे थोड़ी है और से ऐसे नीचे एक लाइन है, ये ऐसे नीचे लाइन है बराबर, ये ऐसे फिर से लाइन से एक, ये जो भी है ऐसे भी है, ये सब लाइन है। वर्टिकल लाइंस भी है मतलब एक तरीके, इस तरह से लाइन है ठीक है, इस तरह से लाइंस हो गए। ले और वर्टिकल भी लाइंस है दिखाई दे रहा है हमको, वर्टिकल लाइन ये ऐसे मतलब जेड की तरह, जेड की तरह है ठीक है, जैसे स्टेयर्स कैसे होते हैं स्टेयर्स के, उस तरह से लाइंस है। तो इस लाइन का नाम है जिगजाग लाइन, कहाँ से शुरू हो रही है ये ग्रुप 13 से लेके ये देखो गोरा। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिगजाग लाइन का क्या मैंने क्यों बताया, इसलिए सर रीज़न है कि इस ब्लॉक के अंदर देखो हमको पूरे टेबल के अंदर जो भी होते हैं ना, टेबल में क्या होती है चीज़ें, ये पूरे टेबल के अंदर मतलब कुछ चीज़ें होती हैं है ना। तो एक्चुअल में रहते क्या हैं, कुछ मेटल्स रहते हैं, मेटल्स बराबर है, मेटल्स हैं मेटल्स हैं मेटल्स, कुछ क्या है नॉन मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ क्या है मेटलॉइड, कुछ मेटलॉइड। तो टेबल में मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ मेटल्स है कुछ नॉन मेटल्स है कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ठीक है। टेबल में क्या है, टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को हमने कितने इसमें ये कर लिया क्लासीफाई, तीन इसमें, क्या क्या है मेटल्स है नॉन मेटल्स है मेटालाइट्स है। लेकिन टेबल के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स कहाँ है यही हमको समझना है ठीक है, मेटल नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स कहाँ पे है यही हमको समझना है। तो जो देखो जो जो ये जिगजाग लाइन है ना, ये उसी से हम डिफाइन करेंगे। चलो पढ़ ले, थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगा कि ये मेटालाइट्स कहाँ पे है ठीक है। ऑल द मेटल्स, चलो यहाँ पे थोड़ा देखें, लास्ट लास्ट में लिखा है ऑल द मेटल्स, ऑल द मेटल्स लाई मतलब है कहाँ पे है, ऑल द मेटल्स लाई, ऑल द मेटल्स लाई, ऑल द मेटल्स लाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ, किसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजाग लाइन है ना। तो जिगजाग लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स है और नॉन मेटल्स कहाँ पे, नॉन मेटल्स नहीं पता है, नॉन मेटल्स क्या देखिए, नॉन मेटल्स लाइन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ जिगजाग लाइन, वो भी है ये भी है, आगे ध्यान में रखिए, नॉन मेटल राइट हैंड साइड में, बस हो गई बात हमारी, यही पे क्लियर हो गया हमारा कि मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में है नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में, किसके जिगजाग लाइन के, ये नाम इस लाइन का नाम है झिगजाग लाइन, झेड़ाई जी झिग झेड़े जी झाग झिगजाग लाइन, इसके लेफ्ट साइड में मेटल और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ये जो बोलते हैं ना मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस वर्ड है, एक्सेप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग क्या है मेटल है, चलो ठीक है तो लिख लेते हैं हम मेटल ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस जिगजैग लाइन के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे वहाँ पे क्या है मेटल, चलो इसको उठाओ, ये देखो इस साइड में जो भी आएंगे अभी वो मेटल्स रहेंगे हमारे ठीक है। ये मतलब इधर साइड के जो भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मेटल्स है मतलब कहाँ के, जो भी ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। फिर नॉन मेटल्स कहाँ पे है, जो जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में, वो क्या है नॉन मेटल्स है। अभी यहाँ पे लिखा है जो देखो हमने पढ़ाई था
लॉन्ड्री लाइन ऑन द राइट हैंड साइड, पहले होता था राइट हैंड साइड किसके लिए, लेकिन जिग जैग लाइन के ध्यान में रखना। अब तीन चीज़ें बोली थी ना मैंने, क्या क्या बोला था हमने, कि हमने बोला था कि क्या क्या रहते हैं, तो रहते हैं मीटर्स रहते हैं बराबर है। क्या बोला था हमने कि मीटर्स रहते हैं, हमने बोला था कि मीटर्स रहते थे यहाँ पे, ये मीटर्स हैं। और हमने बोला था कि क्या रहते हैं, नॉन मीटर्स रहते हैं, हमने बोला था नॉन मीटर्स रहते हैं, ये हमने लिख लिया नॉन मीटर्स भी रहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेटल्स हो गए, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हो गए, तो थर्ड वाली चीज़ है मेटलाइट्स। तो ये भाई ये मेटलाइट्स कहाँ पे हैं, ये तो सवाल है ना कि मेटलाइट्स कहाँ पे इस टेबल में, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हमको, कि हमको तो तीन चीज़ देखना है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स कहाँ पे है, तो वो लाई कर रहे हैं, तो झिकझक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मेटलाइट्स कौन से, आपको जैसे ये बोरान हो यहाँ पे दिख रहा है, तो बोरान, तो ये बोरान हमारे लिए हो गया, सॉरी थोड़ा सा ये बोरान दिख रहा है आपको, ये बोरान हो गया, ये सिलिकॉन दिख रहा है लाई कर रहा है, ये ऊपर और नीचे, अभी ये जो भी दिख रहे हैं ना वाटर कलर, थोड़ा सा वाटर कलर के जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम, ये भी क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए मेटलाइट्स है, ये आर्सेनिक, ये आर्सेनिक और ये एंटीमनी का सिंबल, ये भी क्या है हमारे लिए मेटलाइट्स है। और ये भी देखिए ये टेलोरियम और ये पोलोनियम, ये भी क्या है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए मेटलाइट्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी, तो मेटलाइट्स कहाँ लाई करते हैं, अंदर जिगजैग लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेटल्स है, राइट हैंड साइड में क्या है नॉन मेटल्स है, किसके जिगजैग लाइन के, ठीक है। तो मेटलाइट्स लाई ऑन बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन, थोड़ा देखिए डिलीट कर लेते हैं, ठीक है मेटलाइट्स यहाँ पे, मेटलाइट्स लाए ऑन द जिगजैग लाइन, देखो तो मेटलाइट्स, मेटलाइट्स लाए एलिमेंट्स लाए अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग जिगजैग लाइन, तो ये हो गया मेटलाइट्स लाए ऑन द जिगजैग लाइन, ठीक है। तो आप इतने सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, आगे वाले हम बाद में पढ़ेंगे, तो तब तक हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये हो गया पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको सवाल आ जाता है ना, सवाल थोड़ा देखिए, यहाँ पे सवाल रहता है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब करने का रहता है, ये सवाल है क्वेश्चन सिक्स में, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट नोट लिखना है। तो स्ट्रक्चर में आप क्या क्या लिखेंगे, आपको बस इतना ही लिखना है जो भी मैंने बताया, कि जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, जो भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। टोटल नंबर आप कितने पीरियड्स है, तो 1 to 7 क्या है पीरियड्स है, और कितने ग्रुप्स है, तो 1 to 18 टोटल नंबर आप क्या है ग्रुप्स है। तो इतने ये हो गए ग्रुप। अब और क्या बताया मैंने, और बताया कि 118 टोटल एलिमेंट्स है, वो भी बताया, और क्या बताया, और क्या बताया कि झिकझैक लाइन होती है जो क्या करती है मेटल नॉन मेटल को, नॉन मेटल मेटल को और मेटलाइट को सेपरेट करती है झिकझैक लाइन। मेटल्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं झिकझैक लाइन के लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, और फिर मेटलाइट्स क्या होते हैं, वो तो लाई करते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ द झिकझैक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया रिकवरी, ये मतलब रिकॉल हो गया हमारे लिए। तो आप इतने सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिए, तब तक मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच।